आपके पास इन्फिनिक्स 030 है, 040 है या कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे डाउन करते हैं तो ये कंट्रोल सेंटर आपका ओपन हो जाता है ये स्टेप से। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए, अरेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे डाउन करेंगे तो ये फुल पेज ओपन हो जाता है इसका। बाकी आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ पे एडिट स्विच पे क्लिक कर लेना है, शॉर्टकट स्विच। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ हटानी है उसको माइनस पे क्लिक कर लेना है और जो चीज़ ऐड ऑन करनी है उसको प्लस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड हो गया है। अब यहाँ पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर लेंगे। हटाने के लिए इसको हटा देंगे ऐसे। तो ऐसे करके अरेंज करके डन कर देंगे। तो यहाँ पे बटन आपके अकॉर्डिंग अरेंज हो गए हैं शॉर्टकट। और बाकी यहाँ AR रिमोट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करके अपना कोई भी डिवाइस का को स्कैन करके उसका रिमोट वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं आप। तो रिमोट कैसे ऐड ऑन करना है इसकी वीडियो आप अलग से देख लेंगे, बाकी इस टाइप से इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पर क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।